बोखे का डर रहता है, मतलब दोस्तों से या जो भी, मतलब किसी से जिनसे इंटरेक्शन है उनसे धोखे का डर रहता है। तो धोखे का थोड़ी तुम्हें डर रहता है, तुम्हें तो डर ये रहता है कुछ खो ना जाए। धोखे से तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाए तो डर लगेगा? धोखे का थोड़ी ही डर है, डर ये है कि धोखे से कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। बहुत लोगों को धोखे से बहुत फायदा भी हो जाता है। सोच रहे थे कुछ और हो, कुछ और गया। देखो कितने फायदे हुए हैं धोखे से। तो क्यों है डर नुकसान का? कुछ भी, पैसे का, रिश्ते का, मेन प्रॉब्लम डर है। फिर क्या होगा जब चीजें खो जाएंगी? तब क्या होगा? जिन चीजों के खोने का भय है वो खो जाएंगी तो क्या होगा? दुख ठीक है, दुख होगा तो क्या होगा? वीडियो आपका ध्यान आ रहा है जिसमें आपने कहा था कि मतलब जो चीज संसार से मिली है वो तुमसे कौन छीन सकता है। वो अरे सॉरी वो मतलब वो अगर तुमसे छीन छीन भी जाता है तो मतलब वो तुम्हारा तो था ही नहीं वो चीज। उनके लिए दुख तो तब भी होना था, दुख तो अभी क्यों कर रहे हो? खोएगा या नहीं खोएगा वो तो एक पॉसिबिलिटी है, अभी तो आप डर के दुखी हो ही रहे हो। ये एक ओढ़ी हुई मजबूरी है कि कुछ खो गया तो दुख होना ही होना है। तुम्हारा सब कुछ भी चला जाए तो भी तुम झेल तो लेते ही हो। बल्कि जब चीजें तुम्हारे पास से खोती हैं तब दुख होना हो, उनके खोने की कल्पना कर करके तुम खूब दुख अनुभव कर लेते हो। आज से पहले कुछ खोया नहीं है क्या? तो खोई हुई चीज के साथ तुम भी खो गए। जिस भी चीज को तुमने पकड़ रखा है वो खोएगी नहीं कभी क्या? तो तुम्हारी पहली वस्तु को ही खो जाना है। क्या है तुम्हारी पहली वस्तु? देह। जब उसको ही खो जाना है तो देह के माध्यम से तुमने और जो वस्तुएं पकड़ी वो नहीं खोएंगी क्या? तो क्यों बवाल मचाते? सोचना तो पूरा सोचो, जान लगा के सोचो, आधा अधूरा नहीं ना। कि हाय हाय, कि जैसे किसी की गर्दन कट रही हो, उसे गर्दन का कुछ पता नहीं, कह रहा रे दाढ़ी मेरे नहीं छीननी चाहिए।
दाढ़ी पहले आई थी या मुंडी? जब मुंडी ही नहीं बचेगी तो तुम दाढ़ी से क्या लगन लगा रहे हो? ये सब रिश्ते नाते दाढ़ी के बाल हैं। देह से उपजे हैं, जब देह ही नहीं बचेगी तो दाढ़ी के बाल क्या बचेंगे? तो तुम्हें तो दाढ़ी के बाल ही नहीं, दाढ़ी के बाल के रंग से भी आसक्ति रहती है कि तो मेहंदी लगाई थी, गर्दन कट रही है, भैंसे वाला खड़ा है अपना गड़ासा लेकर के। भैंसे वाले को जानते हो ना मेरे दोस्त? कौन? यहां बात यह हो रही है कि दाढ़ी की जू ना छूट जाए। जब किसी चीज के साथ बहुत दिल लगाते हो उस वक्त सतर्क रहा करो। दिल लगाना आसान है, उसके बाद सजग होना मुश्किल है। ये जो जल्दी से तादाद में बना लेते हो ना कि ये मेरी चीज, ये मेरा रिश्ता, ये मेरी इज्जत, ये मेरा रुपया, एकदम बल्ब जल जाया करे, बिजली कौंध जाया करे कि रिश्ता जो बना रहा हूं मैं अब यही दुख का कारण बनने वाला है। भीतर एक व्यवस्था रहे सर्किट ब्रेकर की, कि सर्किट में जहां एक सीमा से ज्यादा करंट प्रवाहित होगा तहां सर्किट ब्रेक हो जाएगा, उसी को कहते हैं फ्यूज। सर्किट पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। दिमाग में थोड़ी बहुत गतिविधि चलती रहती है, जहां उस सीमा से ज्यादा गतिविधि चले तहां सर्किट टूट जाए कि ले अब कुछ नहीं चलेगा। तो साधना यही है, भीतर सर्किट ब्रेकर लगा देना। गड़बड़ हुई नहीं, सर्किट डाउन, लो अब कुछ नहीं चलेगा यहां। तो तुमने गड़बड़ी को ही विधि बना लिया, अब तुम नहीं हार सकते। माया के खिलाफ तुमने माया को ही विधि बना लिया, अब तुम्हें कोई और विधि चाहिए ही नहीं। मुझे परेशान नहीं होना है, इस लक्ष्य के लिए तुमने क्या विधि बनाई कि जैसे ही परेशानी आएगी सर्किट डाउन, ले अब परेशान तुम हो ही नहीं सकते। माया का आना ही माया के खिलाफ अलार्म बन गया।